टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट मिसलेनियस एक्सरसाइज 2. सो लेट्स स्टार्ट. चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव. द फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी वॉज कुतुबुद्दीन ऐबक. नेक्स्ट, द चेयरमैन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. नेक्स्ट, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट इन 1526 AD. नेक्स्ट, द परसेंटेज ऑफ लैंड एरिया ऑन द अर्थ इज 29%. एंड फिफ्थ, स्प्रिंग टाइड ऑकर्स ऑन फुल मून डे. नाउ लेट सी फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट, द फाउंडर ऑफ द खिलजी डायनेस्टी वॉज ब्लैंक. सो द आंसर इज अलाउद्दीन खिलजी. नेक्स्ट, गुरु नानक वॉज बॉर्न इन ब्लैंक विलेज. सो द आंसर इज तलवंडी. थर्ड, द टेनर ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज ब्लैंक ईयर. सो द आंसर इज 5 ईयर. ब्लैंक इज यूज टू मेजर रेनफॉल. सो द आंसर इज रेन गेज. फिफ्थ, देयर आर ब्लैंक नंबर ऑफ सीजन्स इन इंडिया. सो द आंसर इज 3. नाउ मैच द कॉलम्स. मोहम्मद बिन तुगलक. सो यू हैव टू मैच इशू ऑफ कॉपर कॉइन्स. नाउ नेक्स्ट, अमीर खुसरो फेमस फॉर रिडल्स मुकरिस. सेकेंड, इल्तुतमिश. थर्ड, इल्तुतमिश इक्ता सिस्टम. फोर्थ, बीरबल विट्टी एडवाइजर. एंड फिफ्थ, सुनामी वेव्स. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट. एक्सप्लेन द मार्केट कंट्रोल पॉलिसी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी. दिस आंसर इज इन पेज नंबर 66, 67 एंड 68. सो चिल्ड्रन, इस आंसर में आप थोड़ा सा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताएंगे. तो यहाँ से आप लिखेंगे अलाउद्दीन बिलीव्ड इन द थ्योरी ऑफ एक्सपेंशन. यहाँ अलाउद्दीन खिलजी का टाइम लिखेंगे 1296 से 1316 AD. और इसको आपको यहाँ तक लिखना है द मंगोल्स तक. इसके बाद मिलिट्री रिफॉर्म्स भी लिखेंगे अलाउद्दीन खिलजी का. तो ये द सोल्जर्स वर यहाँ से लेकर के वर मेंटेन्ड यहाँ तक लिखना है. और इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी की मार्केट कंट्रोल पॉलिसी लिखेंगे. तो ये आप यहाँ से ही स्टार्टेड मार्केट कंट्रोल सिस्टम यहाँ से लेकर के गोडाउंस यहाँ तक. और इसके बाद लैंड रेवेन्यू पॉलिसी यहाँ से लेकर के फिक्स्ड एयर रेवेन्यू यहाँ तक आपको लिखना है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द एडवांटेजेस ऑफ टाइड्स. दिस आंसर इज इन पेज नंबर 120 एंड 121. एडवांटेजेस ऑफ टाइड्स में सबसे पहले आप टाइड्स के बारे में लिखेंगे कि टाइड्स क्या होते हैं. तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे टाइड्स क्या होते हैं. और उसके बाद ये इस पेज में एडवांटेजेस ऑफ टाइड्स हैं. तो ये पूरे टाइड्स के एडवांटेजेस आपको लिखना है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट इज मीन्ट बाय ऑर्डिनेंस. ये नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अबाउट द प्रोग्रेस मेड इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहजहां. दिस आंसर इज इन पेज नंबर 87 एंड 88. सो चिल्ड्रन, इस आंसर में आप थोड़ा सा शाहजहां के बारे में लिखेंगे. शाहजहां का ड्यूरेशन 1628 टू 1657. फिर यहां से लेकर के मैग्निफिकेंस आफ्टर द डेट से मैग्निफिकेंस यहां तक. और इसके बाद आर्किटेक्चर ऑफ शाहजहां यहां से स्टार्ट करेंगे. और ये आप पूरा यहां तक लिखेंगे सिंबल ऑफ हिज स्प्लेंडर यहां तक आपको लिखना है. फिफ्थ क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन साइक्लोनिक रेन. दिस आंसर इज इन पेज नंबर 107 में दिया है साइक्लोनिक रेन. ये आपको पूरा यहाँ से यहाँ तक लिखना है साइक्लोनिक रेनफॉल. ये पूरा आपको साइक्लोनिक रेनफॉल ये पूरा पैराग्राफ लिखना है. और इसके बाद ये आपको पिक्चर भी बनानी है. चिल्ड्रन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द मेजर फीचर्स ऑफ अकबर्स मनसबदारी सिस्टम. दिस आंसर इज इन पेज नंबर 80, 82 एंड 83. सो चिल्ड्रन, इस आंसर को लिखने के लिए आप सबसे पहले अकबर के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे. तो अकबर वॉज बॉर्न इन 1542 AD. यहाँ से लेकर के किंग ऑफ अमरकोट यहाँ तक लिखना है. उसके बाद पेज नंबर 82 में दिया हुआ है अकबर्स मनसबदारी सिस्टम. तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है अकबर्स मनसबदारी सिस्टम. यहीं से स्टार्ट कर देंगे और ये पूरा पैराग्राफ यहाँ और पेज नंबर 83 का ये यहाँ तक आपको लिखना है. वेयर एज समवेयर पेड कैश यहाँ तक आपको लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ भक्ति मूवमेंट ऑन द लाइफ ऑफ द पीपल. दिस आंसर इज इन पेज नंबर 75 एंड 77. तो चिल्ड्रन, हियर इज गिवन द भक्ति मूवमेंट. द भक्ति मूवमेंट आपको डालना है और यहाँ से स्टार्ट कर देना है. पूरा लिखेंगे यहाँ तक. फिर नेक्स्ट पेज में थोड़ा सा लिखेंगे यहाँ तक द फाउंडर ऑफ द भक्ति मूवमेंट द अलवर एंड द नयनार संत प्रीस्ड थ्रू स्टोरीज एंड सॉन्ग्स इन सिंपल लैंग्वेज यहाँ तक लिखेंगे. इसके बाद आप नेक्स्ट पेज जो है
यहाँ पर इफेक्ट दिए हुए हैं, ये इफेक्ट यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे, और इसके बाद भक्ति मूवमेंट के कुछ जो संत थे उनके नाम लिख लेंगे। तो यहाँ पिक्चर्स दिए हुए हैं, उन सभी के नाम लिख लेंगे, गुरु नानक, कबीर, चैतन्य महाप्रभु, इन सब के नाम आप लिख लेंगे। चिल्ड्रन नाउ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, वॉट आर द इफेक्ट ऑफ ओशियन करेंट ऑन ह्यूमन लाइफ? दिस आंसर इज इन पेज नंबर 117 एंड 119। सो चिल्ड्रन 117 में थोड़ा सा करेंट्स के बारे में आप लिखेंगे, बिग स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग रेगुलरली यहाँ से लेके आर कॉल्ड करेंट्स यहाँ तक। इसके बाद 119 पेज में इफेक्ट ऑफ ओशियन करेंट, ये ओशियन करेंट के इफेक्ट दिए हुए हैं, ये पूरे आपको लिखना है, 1, 2, 3, 4 ये पूरा लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ऑफ शेरशाह, दिस आंसर इज इन पेज नंबर 79 and 80। तो यहाँ दिया हुआ है पेज नंबर 79 और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेरशाह ये दिए हुए, ये पूरा आपको लिखना है। इसके बाद पेज नंबर 80 का ये यहाँ से लेके ही बिल्ट से लेकर के एग्जाम्पल ऑफ आर्ट यहाँ तक, फिर ही इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन मदरसाज यहाँ तक, फिर शेरशाह से लेके बुंदेलखंड यहाँ तक आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ विधानसभा, दिस आंसर नेक्स्ट है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ओशियन, दिस आंसर इज इन पेज नंबर 112 एंड 114। तो सबसे पहले ओशियन के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे कि ओशियन क्या है, तो यहां से आप स्टार्ट करेंगे कि द स्मॉलर वाटर बॉडीज आर कॉल्ड सीज एंड गुल्फ, ये यहाँ से ओशियन है, आर्कटिक ओशियन यहाँ तक आपको लिखना है। क्या है, द ओशियन ऑफ द वर्ल्ड आर, चारों ओशियन के नेम हो जाएंगे और ओशियन क्या होते हैं वो लिख लेंगे यहाँ पर। थोड़ा सा इसके बारे में लिखने के बाद ये एडवांटेजेस ऑफ ओशियन दिए हुए हैं, ये आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द मेन फीचर्स ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ द सल्तनत पीरियड, दिस आंसर इज इन पेज नंबर 72 and 75। तो सल्तनत पीरियड के बारे में थोड़ा सा आपको लिखना होगा, तो ड्यूरिंग द 320 ईयर्स यहाँ से लेकर के विद द मुस्लिम्स यहाँ तक आपको लिखना है, और फिर ये पूरा आर्किटेक्चर का पूरा पैराग्राफ ये दिया हुआ है, 1, 2, 3, 4 ये पूरा यहाँ तक आपको लिखना है, ये एग्जाम्पलरली तक आपको यहाँ तक लिखना है। So children, here is your miscellaneous exercise 2 is finished. In the next video, we will start the miscellaneous exercise 3.